फिच रेटिंग ने घटाया जीडीपी अनुमान। आधे से एक फीसदी लुढ़केगी विकास दर। मूडीज S&P भी घटा चुके हैं अनुमान। कोरोना से रोजगार पर मंडराया संकट। कोरोना के करंट से इकोनॉमी को जोरदार झटका लगने की आशंका लगातार गहराती जा रही है। मूडीज और S&P के बाद अब फिच रेटिंग ने भी भारत की विकास दर में कमी का अनुमान जाहिर कर दिया है। फिच के मुताबिक 2020-21 में भारत की विकास दर 5.1% रहने की आशंका है। 2020-21 के लिए फिच ने अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया है। इसके पहले दिसंबर में फिच ने 2020-21 के लिए 5.6% और अगले साल के लिए 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया था। इसी हफ्ते मूडीज ने इस साल की विकास दर का अनुमान घटाकर 5.3% कर दिया था, जबकि S&P ने 5.2% कर दिया था। सरकार को भी हालात का बखूबी एहसास है, इसलिए ही पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। सरकार ने एक COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स, इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्क में रहते हुए, फीडबैक लेते हुए, हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। अर्थव्यवस्था के हालात पर सरकार की पैनी नजर है और सरकार का भी मानना है कि कोरोना के चलते आर्थिक विकास दर 0.3% से 0.5% तक घट सकती है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे विकास दर में 1% गिरावट की आशंका है। पहली और दूसरी तिमाही में तो विकास दर घटकर 4 से 4.5% तक लुढ़क सकती है। लंबे समय से मंदी का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020-21 में तेज रिकवरी की उम्मीद थी, लेकिन अब कोरोना ने इस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया है। यानी विकास दर बढ़ना तो दूर, 2019-20 से भी कम होने की आशंका सताने लगी है। RBI का भी मानना है कि इस महामारी का दूसरा राउंड आर्थिक रफ्तार को सुस्त करने का काम करेगा। सेकेंड राउंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक कुड ऑपरेट थ्रू अ स्लो डाउन इन ग्लोब इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट वुड ऑब्वियसली बी रिजल्ट ऑफ साइड ऑफ अ सिंक्रोनाइज्ड स्लो डाउन इन ग्लोबल ग्रोथ एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट इंडिया द ग्रोथ मोमेंटम इन इंडिया ऑल्सो वुड बी सम इम्पैक्टेड समवॉट। अगर अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से देखा जाए तो फिर 59 लाख करोड़ की रिटेल इंडस्ट्री, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां हालात गंभीर हो सकते हैं। यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा यानी 25% नौकरियां जा सकती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का आकार 13.32 लाख करोड़ है और यहां पर कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं। रियल एस्टेट में भी 35% तक नौकरियां जा सकती हैं, जहां आर्थिक मंदी से पहले ही 20% लोग नौकरी खो चुके हैं। जानकारों का मानना है कि पहले से मंदी के गिरफ्त में रियल एस्टेट के लिए कोरोना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पे जो इम्पैक्ट रहेगा वो इतनी जल्दी आपको इम्पैक्ट आप उसका जो देखने को मिलेगा वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। नेचुरली इसका इम्पैक्ट अगले 6-8 महीने में जाके आएगा। जो हम ग्रोथ इवन नेक्स्ट ईयर भी एंटिसिपेट कर रहे हैं इस COVID-19 का, मेरा मानना है उस पे भी इम्पैक्ट रह सकता है। वहाँ पे भी हम उस तरीके की जो रिवाइवल सोच रहे थे वो नहीं हो पाएगा। कैब सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनियों पर भी इस आर्थिक सुस्ती की बड़ी मार पड़ सकती है। 11.84 लाख करोड़ की इस इंडस्ट्री में 50 लाख ड्राइवर पार्टनर्स हैं। कोरोना के असर से इसमें 40 से 50% गिरावट आई है। हालात इतने गंभीर हैं कि दिल्ली NCR में 55 लाख में से 23 लाख कैब खड़ी हो गई है। ड्राइवरों पर EMI ना चुकाने का संकट है
और उन्होंने बैंकों से राहत की गुहार लगाई है। बैंकिंग सेक्टर ने भी आरबीआई से ग्राहकों को राहत देने के लिए मंजूरी मांगी है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर पर निर्भर और पहले से संकट में फंसे एनबीएफसीज भी बेल आउट पैकेज की मांग कर रहे हैं। नेचुरली द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विल बी कि बैंक्स को नज किया जाए, बैंक्स को बोला जाए, जैसे कि हमने टाइम टाइम पे मुद्रा या अलग अलग तरह की लोन की स्कीम बनाई है, उस तरह से बैंक को नज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा जिससे कि जॉब लॉसेज या स्टार्टअप की मोर्टिलिटी कम हो जाएगी या अच्छे सिचुएशन में रहेगी। इसी तरह से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कारोबार से जुड़ी कंपनियों की कमाई पर भी संकट पड़ना शुरू हो गया है। करीब 48,000 करोड़ की ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में 5,00,000 लोग काम करते हैं। अभी तक यहां नौकरियों पर तो संकट नहीं है, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स की आमदनी 20% तक घट गई है। जाहिर है हर एक सेक्टर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और पहले से मंदी में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा गहरे संकट में धंसती नजर आ रही है।